हेलो किड्स, वेलकम बैक। आई एम वंदना एंड वी आर लर्निंग साइंस ऑफ क्लास 4 बाय ब्रेन रूट सीरीज एंड हियर इज अ बुक साइंस स्पार्क। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम इज एनिमल्स क्लासिफिकेशन एंड सर्वाइवल। सो यस, वी विल लर्न अबाउट एनिमल्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड एंड हाउ दे सर्वाइव। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स, now adaptation in animals according to their habitats, adaptation in behavior, adaptation for protection and adaptation for food. Let's start with the warm up. Name the following animals. I'm the biggest animal on the earth, so it's dolphin. Similarly, you have to name the rest of the animals after reading the given clues. Animals are an integral part of the world. ये हमारा जो world है उसका एक बहुत ही important एक integral part है. But all animals are not found at all places. लेकिन जितने भी animals हैं वो नहीं पाए जाते हैं हर जगह पे. They live at different places. ये क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं. Animals living in different surrounding adapt themselves to survive their surrounding. ये जो animals जो अलग अलग surrounding में रहते हैं अपने आप को adapt कर लेते हैं इन surrounding में survive करने के लिए. This process of adjustment to their surrounding by the development of suitable characters to improve the chance of survival is called adaptation. तो ये animals क्या करते हैं, अपनी body को उस, मान लो कि कहीं सर्दी जगह है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो क्या कहते हैं, एनिमल्स अपने बॉडी को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं. तो उनके बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं, बिल्ट इन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में भी रह पाते हैं. तो इस किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहने का जो ये तरीका है इसे ही हम अडैप्टेशन कहते हैं. If an animal can adapt to the changes in its area, मान लो कि कोई animal कहीं रह रहा और अचानक से वहाँ एकदम से ठंड पड़ने लगी, तो क्या होगा, animal को वहाँ रहने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि अब ठंड वहाँ पे पड़ने लगी. पहले नहीं होती थी पर होने लगा है. तो क्या होगा, वो अपनी बॉडी को धीरे धीरे उस माहौल के हिसाब से अडाप्ट करता चला जाएगा. सो अगर एक एनिमल जो है अडाप्ट कर लेता है इस चेंजेस को अपने एरिया में, एटलीस्ट. बट इफ इट कैनॉट अडाप्ट टू चेंज द चेंज इन इट्स एरिया इट डाई. कोई एनिमल अगर अडाप्ट कर लेता उस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, तो वो वहाँ जी जाता है. लेकिन जो एनिमल उस अचानक से पड़ने वाली ठंड को अडाप्ट नहीं कर पाता है वो मर जाता है. द एरिया इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. सो वो एरिया, वो जगह जहाँ पे कोई एनिमल रहता है उसे वहाँ का हैबिटेट कहा जाता है. जैसे कि क्या हुआ था कि बहुत पहले जो डायनासोर्स थे वो कैसे ख़त्म हुआ है, वो एकदम से जो ठंड पड़ी उस ठंड को वो झेल नहीं पाए, उसे अडाप्ट नहीं कर पाए, उस सिचुएशन को अडाप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो सारे मर गए. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एनिमल अडाप्ट्स द एनवायरमेंट. नाउ लेट्स लर्न लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल. अब चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी जगह होती हैं एनिमल्स के रहने वाली. सो एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह ही हमें मिलते हैं, चाहे वो प्लेन हो, लैंड एरिया, ट्री हो, एयर हो, या फिर डेजर्ट हो, माउंटेन हो, या फिर वाटर हो. सो हमें एनिमल्स क्या होते हैं, हर जगह, ये जितनी भी जगह यहाँ पे मेंशन है इन सब जगहों पे मिलते हैं. दीज आर ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, एम्फीबियन, आर्बोरियल और एरियल एनिमल्स. अब इन एनिमल्स को इन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. तो चलिए पढ़ते हैं अलग अलग कैटेगरीज क्या हैं एनिमल्स की. तो पहले आते हैं टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड. सो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स, सो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एंड इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि एलिफेंट, डियर, लायन, कैमल, पोलर बियर एंड टाइगर. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के. नेक्स्ट कम्स एक्वेटिक एनिमल्स. अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में. एनिमल्स, एक्वा का मतलब होता है चिल्ड्रन, पानी. सो वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. सो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर
ऐसे एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। एंड कुछ एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स के, वो क्या है, जेली फिश हो गई, स्टार फिश हो गई, शार्क हो गई या फिर व्हेल हो गई, ये कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या है, ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। सो एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। अब कुछ एग्जांपल्स क्या दिए गए इनके, जैसे कि फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, न्यूइट हो गया या फिर सैलमन हो गया। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो पानी और लैंड दोनों जगहों पर रह सकते हैं। एंड ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ टोड। नेक्स्ट आते हैं आपके आर्बोरियल एनिमल्स। सो एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना ज़्यादातर समय क्या करते हैं, पेड़ पे ही बिताते हैं, वहीं लटकते रहते हैं, झूलते रहते हैं, बैठे रहते हैं। सो ऐसे एनिमल्स को हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, गिबन्स हो गए, चिंपैंजीज हो गए, आर सम आर्बोरियल एनिमल्स। ये एनिमल ऐसे आर्बोरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल है और यहाँ पे आप गिबन की पिक्चर देख सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल और हैं इन आर्बोरियल एनिमल्स के, वो हैं मंकी, कोला, फ्लाइंग स्क्विरल एंड कैमिलियन। नेक्स्ट कम्स एरियल एनिमल्स। अब एरियल एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो हवा में उड़ सकते हैं उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। अब इनके क्या एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल हैं जैसे बर्ड, बैट, इंसेक्ट्स, दीज ऑल कम इन दिस ग्रुप। एंड हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड विच इज अ एरियल एनिमल। नेक्स्ट कम्स अडेप्टेशन इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अब कैसे जो है एनिमल्स अपने हैबिटेट को अडेप्ट कर लेते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कम्स अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे अडेप्टेशन होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव विथ। सो मूव करने के लिए इन एनिमल्स के पास लेग होता है। द ब्रीदिंग सिस्टम टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। इनका जो ब्रीदिंग सिस्टम वो क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है हवा में से। देयर सेंस ऑर्गेन्स एंड नर्वस सिस्टम आर वेरी वेल डेवलप्ड। इनके जो सेंस ऑर्गेन होते हैं, इनके जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड होता है। सो दे कैन सेंस एनी चेंज अराउंड देम। इनके आसपास अगर किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है तो इसे ईजिली सेंस कर लेते हैं। दीज चेंजेस मे बी साउंड, मूवमेंट, लाइट, स्मेल एंड सो ऑन। तो ये जो चेंज है वो इनमें से किसी भी तरीके का हो सकता है, इन सब चेंजेस को ये महसूस कर लेते हैं। दिस हेल्प्स एनिमल टू फाइंड फूड एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। और ये जो है इनकी क्वालिटी है वो क्या करती है, इन्हें हेल्प करती है अपना खाना ढूंढने में और किसी एनिमी से बचने में। हियर आर फ्यू लैंड एनिमल्स। अब यहाँ पे हम कुछ लैंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ लायनेस। नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो दैट बैट इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। आपको पता है कि बैट एक मैमल है और सिर्फ ऐसा इकलौता मैमल है जो उड़ सकता है। एनिमल्स हैव सम स्पेशल फीचर्स ऑन देयर बॉडी। जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट दे लिव इन देयर एनवायरमेंट। और इन फीचर्स की वजह से वो एक एनवायरमेंट में रह पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स ऑन इन द बॉडी टू एडजस्ट द सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। और ये जो प्रोसेस होता है किसी भी स्पेशल फीचर, किसी भी स्पेशल एनवायरमेंट में रहने का, इसे ही हम अडेप्टेशन कहते हैं। सो हियर लेट्स लर्न अबाउट एनिमल्स इन कोल्ड एंड स्नो बाउंड रीजन्स। अब हम पढ़ेंगे ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कहाँ रहते हैं, स्नो में रहते हैं या फिर ठंडी जगहों में रहते हैं। सो द स्नो लेपर्ड्स विच लिव इन द स्नोवी माउंटेन्स ऑफ द हिमालय हैव अ थिक वाइट कोट ऑफ हेयर ऑन इट्स बॉडी। तो आपने देखा होगा स्नोवी माउंटेन मीन्स जो बर्फ से ढकी हुई माउंटेन्स है, जैसे हिमालय हो गई, वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके बॉडी पे थिक वाइट कोट रहता है। तो स्नो लेपर्ड जो होता है या जो पोलर बियर है, आप देखोगे उनकी बॉडी एकदम वाइट होती है, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उस पर जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। द पोलर बियर एंड द पोलर फॉक्स, ये दो एनिमल्स हैं दैट लिव इन आइस बाउंड आर्टिक पोलर रीजन। ये वो एनिमल्स हैं जो ऐसी जगहों पर मिलते हैं।
दैट हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी, जिनकी बॉडी पे थिक फर मिलेगा आपको. द फर नॉट ओनली प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सीवियर कोल्ड, ये जो फर है ना कि उन्हें ठंडी सीवियर कोल्ड से बचाता है, बट द वाइट कलर ऑल्सो मेक्स देम लेस विजिबल अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड. लेकिन ये जो वाइट कलर की इनकी बॉडी है, इन्हें सिर्फ ठंड से नहीं बचाती, ये क्या करती है, इन्हें अपने सराउंडिंग में घुलने में भी हेल्प करती है. मीन्स ईजिली कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाएगा कि वहाँ पे कोई पोलर बियर या फिर पोलर फॉक्स बैठा हुआ है. सो ये क्या करता है, अपने सराउंडिंग में कैमोफ्लेज हो जाते हैं. सो दिस हेल्प्स देम टू अप्रोच ए फूड विदाउट बीइंग नोटिस्ड. ये अपने खाने तक इसी वजह से ईजिली पहुँच जाते हैं क्योंकि इन्हें नोटिस नहीं किया जा पाता. नेक्स्ट कम चैमेलियन आर रेप्टाइल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज एंड बुशेस. ये आपको देख रहा होगा कैमेलियन है, ये क्या करता है, ज़्यादातर पेड़ों में या फिर झाड़ियों में आपको मिलेगा. द फीट, दे फीट हैव शार्प क्लॉज, इनके जो फीट हैं, जो पंजे हैं, उनके जो क्लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं. एंड दे कैन ग्रिप ब्रांचेस वेरी वेल, और ये ब्रांच को बहुत अच्छे से ग्रिप कर पाते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे कैमेलियंस हैव अ लॉन्ग टेल दैट स्ट्रेचेज आउट फॉर बैलेंस. इनकी जो पूंछ है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जो बैलेंस के लिए स्ट्रेच आउट हो जाती है. सो दैट दे डू नॉट फॉल व्हेन दे वॉक, ताकि जब भी ये चले ये ना गिरे. दे मोस्टली ईट इंसेक्ट्स विच दे आर एबल टू रीच विद द लॉन्ग टंग. ये क्या करते हैं, ज़्यादातर ये इंसेक्ट्स खाते हैं, जिन तक ये कैसे पहुँचते हैं, अपनी लंबी टंग की वजह से वो ईजिली इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं और उनको खा जाते हैं. नेक्स्ट इज अ कैमल. अ कैमल हैज़ अ थिक स्किन कोट टू प्रोटेक्ट इट बोथ फ्रॉम हॉट डेजर्ट सन एंड कोल्ड डेजर्ट नाइट. सो जो कैमल होता है उसकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, जिससे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ती है उतनी ही आपको वहाँ पर ठंडी भी मिलेगी. मीन्स वहाँ के दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, रात उतनी ही ठंडी होती है. तो ये जो थिक स्किन है कैमल का, वो उसे हेल्प करता है दोनों ही गर्म और ठंडी डेजर्ट में बचने से. इट्स ब्रॉड थिकली पैडेड फीट हेल्प इट टू वॉक. इसके जो ब्रॉड मीन्स चौड़े थिक पैडेड फीट है, इन्हें हेल्प करता है चलने में. ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग, सैंड के ऊपर चलने में ये इनको हेल्प करते हैं. इट कैन गो विदाउट वाटर एंड फूड फॉर फ्यू डेज बाय यूजिंग द फैट स्टोर्ड इन देयर हम्प. ये क्या कर सकते हैं, बिना पानी के काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं, बिना खाने के, बिना पानी के काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं, क्योंकि इनका जो ये हम्प एरिया है ना, यहाँ पे काफ़ी सारा फैट इकट्ठा ये कर लेते हैं. इट्स थिक आई लैशेज प्रोटेक्ट इट आइज फ्रॉम सन एंड ग्लोइंग डेजर्ट सैंड. सो इनके जो आपने देखा होगा आईज होते हैं, इनमें दो आई लैशेज होते हैं, डबल लिडेड आई लैशेज होते हैं. ये इतने बड़े मोटे होते हैं कि अगर धूप जो है वो भी इनके आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती, और जो एकदम से हवा चल जाती है और सारे रेत उड़ने लगती है वो भी इनकी आंखों में नहीं जाती. इट्स लॉन्ग लेग्स कीप्स इट्स बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड. और इनके जो लंबे पैर हैं वो क्या करते हैं, गर्म सैंड से इनकी बॉडी को दूर रखते हैं. नेक्स्ट कम्स अडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स. अब हम पढ़ेंगे कैसे एक्वेटिक एनिमल्स में अडेप्टेशन होता है. सो एक्वेटिक एनिमल्स हैव अ बोट शेप्ड बॉडी. ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनकी जो बॉडी का शेप होता है वो बोट शेप्ड होता है. टू मूव ईजिली इन वाटर, जिससे ये ईजिली वाटर में मूव कर लेते हैं. दे हैव गिल्स टू ब्रीद इन वाटर, इनके पास गिल्स होता है जिससे ये पानी में भी सांस ले लेते हैं. डक्स हैव वेब्ड फीट, डक्स जो होते हैं इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं. टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग, जिससे ये पानी को पुश बैक करते हैं जब ये स्विम करते हैं. इन टर्टल्स टू रियर लिम्स हैव चेंज्ड इनटू पैडेड पैडल लाइक फ्लिपर्स. अब हम अगर टर्टल्स की बात करें तो इनके जो रियर लिम्स हैं वो क्या करते हैं, पैडल की तरह वर्क करते हैं, और पैडल्स होते हैं जो फ्लिपर्स की तरह वर्क करते हैं. दीज फ्लिपर्स हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, और इन फ्लिपर्स की वजह से आप देख सकते हो आगे पीछे, जिनकी वजह से ये आराम से पानी में तैर पाते हैं. सो दीज आर फ्यू एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, फिश इन वाटर, डक स्विमिंग इन वाटर, नाउ टर्टल स्विमिंग इन वाटर एंड व्हेल इन वाटर.
नेक्स्ट कम्स अडेप्टेशन इन एम्फीबियंस. अब एम्फीबियंस कैसे अडेप्ट करते हैं अपने सराउंडिंग को. सो एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग, टोड, सैलमंडर एंड न्यूएट्स हैव लंग्स टू ब्रीद ऑन लैंड. सो ये जो एनिमल्स हैं फ्रॉग, टोड, सैलमंडर और न्यूएट्स, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास लंग्स होते हैं जिससे सांस लेते हैं. कहाँ पे? लैंड पे. दे मॉइस्ट स्किन हेल्प देम टू ब्रीद इन वाटर. लेकिन जब ये पानी में जाते हैं तो इनका जो मॉइस्ट स्किन है वो हेल्प करता है इन्हें वहाँ पे सांस लेने में. दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. और इनके जो फीट है वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं जिससे ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स अडेप्टेशन इन आर्बोरियल एनिमल्स. अब आर्बोरियल एनिमल्स में कैसे ये एनिमल्स अडेप्ट करते हैं. सो आर्बोरियल एनिमल्स सच एज मंकी, फ्लाइंग स्क्विरल एंड ओपोसम हैव डिस्टिंक्ट बॉडी फीचर. सो ये जो आर्बोरियल एनिमल्स हैं जैसे कि मंकी हो गया, फ्लाइंग स्क्विरल हो गया, ओपोसम हो गया, ये क्या है, इनके जो बॉडी फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट हैं. दे हैव क्लॉज एंड ब्रॉड हिप ग्रिडल्स. इनके जो क्लॉज होते हैं और इनका जो हिप ग्रिडल है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, जो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है उनकी बॉडी को जब वो पेड़ों पे चढ़ते हैं. अ मंकीज कर्ली टेल हेल्प इट टू स्विंग फ्रॉम अ ब्रांच. और इनके जो कर्ली टेल होती है वो हेल्प करती है इन्हें एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे स्विंग करने में. नेक्स्ट कम्स अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स. अब हम एरियल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो द बॉडी शेप ऑफ एरियल एनिमल्स इज सच दैट इट हेल्प्स देम टू कट द एयर एंड फ्लाई. इनकी बॉडी इस तरीके से बनी होती है कि एयर को कट करके अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और फ्लाई कर सकते हैं. दे हैव विंग्स एंड फेदर्स विच दे यूज़ फॉर फ्लाइट. इनके पास विंग्स होते हैं, इनके पास फेदर्स होते हैं जिसको ये यूज़ करते हैं फ्लाई करने में कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम. और इन चीज़ों की वजह से ये काफ़ी लंबे समय तक फ्लाई कर सकते हैं बिना थके. दे हैव लार्ज आईज एंड शार्प विजन. इनकी आंखें काफ़ी बड़ी होती हैं और जो विजन होती है, देखने की शक्ति होती है, काफ़ी अच्छी होती है. एसेंशियल फॉर देम टू फ्लाई डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ फूड. और ये क्या करता है, हेल्प करता है इन्हें जो है काफ़ी लंबे डिस्टेंसेज तक ट्रैवल करने में, फ्लाई करने में. नाउ चिल्ड्रेन, डू यू नो दैट बैट आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई. आपको पता है कि बैट ही एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है. बैट्स आर नॉट ब्लाइंड. वो ब्लाइंड नहीं होते हैं. एंड देयर सेंस ऑफ हियरिंग इज हाईली डेवलप्ड. और उनके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है. एंड दे डिपेंड ऑन दिस सेंस टू मूव इन द डार्कनेस. और इस सेंस की वजह से वो डार्क जगहों पे, मीन्स अंधेरी जगहों पे भी इजिली मूव कर लेते हैं. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन बिहेवियर. अब कैसे जो है बिहेवियर में अडेप्टेशन होता है. सो सम एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जो अलग अलग तरीके के बिहेवियर होते हैं, या फिर वो किसी भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इजीली अडाप्ट करें तो वहाँ पे सर्वाइव करने लगते हैं किसी भी वेदर कंडीशन में. सो लेट्स लर्न वॉट इज हाइबरनेशन. सो सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड स्नेक कैन नॉट बियर एक्सट्रीम कोल्ड. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते. तो क्या करते हैं, सो दे अंडरगो विंटर स्लीप. ये कहाँ चले जाते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, कॉल्ड एज हाइबरनेशन, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. इनका जो ब्लड होता है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है. एंड देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द आउटर टेम्परेचर. और इनका जो बॉडी टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. इन एक्सट्रीम कोल्ड, अगर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, व्हेन दे फेस स्कैर्सिटी ऑफ फूड, तो बहुत ज़्यादा ठंड में ये जो है पानी की कम, खाने की कमी में क्या होता है, दे गो टू स्लीप. ये क्या करते हैं, सोने चले जाते हैं. एंड यूज द स्टोर्ड फूड इन द बॉडी. और इनके बॉडी में जो स्टोर्ड फूड था, फूड को स्टोर करने के बाद ये लंबी स्लीप पे चले जाते हैं और उस बॉडी फूड से वो अपना पूरा सर्दी निकाल लेते. तो आप देख सकते हो पिक्चर स्नेक की और क्रोकोडाइल की. नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिवेशन. सम एनिमल्स इन द डेजर्ट लाइक स्नेक सेटल डाउन टू लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग हॉट समर. अब कुछ एनिमल्स जैसे कि जो डेजर्ट में रहते हैं, जैसे
स्नेक ये क्या करते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये लंबी स्लीप में चले जाते हैं. टू सेव वाटर, ताकि इन्हें पानी की कमी इनके बॉडी में ना हो, पानी सेव हो. दिस समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन, और इस गर्मियों के सोने को एस्टिवेशन कहते हैं. तो सर्दियों में सोते हैं वो हाइबरनेशन, और गर्मियों में सोते हैं उसे एस्टिवेशन कहते हैं. नेक्स्ट कम्स माइग्रेशन. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीन्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस टू अनदर लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड वार्म्थ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज एंड अगेन रिटर्निंग बैक टू द प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. तो कुछ बर्ड्स क्या होती है, वो खाने की तलाश में या गर्म जगहों की तलाश में, जब काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है उनके इलाकों में, तो वो गर्म जगहों पे चले जाते हैं, कुछ समय वहाँ रहते हैं, और जब उनके जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर गर्मी स्टार्ट होती है तो वो वापस अपने घर आ जाते हैं. इस पूरे प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं. मेनली बर्ड्स शो माइग्रेशन, ज़्यादातर क्या होता है बर्ड्स में ही ये होता है, माइग्रेशन बर्ड्स में ही होता है. When there is cold in a extreme cold in the north, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है north area में, तो birds क्या करते हैं south की तरफ चले जाते हैं. And again on return to summer in the north, और जैसे ही गर्मियाँ north में शुरू होती हैं वो वापस north की तरफ आ जाते हैं. They migrate back from south to north, and such birds which show migration are called migratory birds, और ऐसे birds को migratory birds कहते हैं. Here you can see the picture of some migratory birds. ये क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रही हैं one place to another. Adaptation for protection. So animals develop various features that help them to obtain food. Animals क्या करते हैं, बहुत सारे features को अपने अंदर inbuilt कर लेते हैं, develop कर लेते हैं, जो उन्हें to help them to obtain food, जिसकी मदद से वो food को easily obtain कर लेते हैं. Live in their habitats and protect themselves from predators. Means वो habitat में अपने आप को जो है adapt कर लेते हैं और अपने predators से means अपने enemies से बच भी जाते हैं. तो ये कुछ features हैं animals के अंदर. All these things, food, habitat and protection from enemy, increase the chance of their survival. और अगर ये तीनों चीज़ें animal ने सीख ली तो वो easily survive कर लेता है. Let's discuss how animals adapt to protect themselves from their enemies. अब चलिए देखते हैं कैसे एनिमल्स अपने आप को अपने एनिमीज से बचाते हैं. सो फर्स्ट इज कैमोफ्लेजिंग. सो द बॉडी कलर ऑफ एनिमल्स लाइक ज़ीब्रा, पैराकीट, कैमेलियन एंड पोलर बियर कैन ईजली ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग. सो ये जो एनिमल्स हैं जिनके नेम यहाँ पे दिए गए हैं, ये एनिमल्स अपने सराउंडिंग में, इनके बॉडी कलर ऐसा होता है कि अपने सराउंडिंग में ईजिली क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं. Thus they confuse their enemies and escape from them. ये क्या करते हैं, अपने enemies को confuse कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं. And this is known as camouflaging. और इसे हम camouflaging कहते हैं. For example, a polar bear has white fur. Polar bear का white fur होता है जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, अपने background में छुप जाता है, जो कि उसका background क्या होता है, snow. और इसी तरीके से एक कैमेलियन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी अपने बैकग्राउंड में छुप जाता है क्योंकि इसका बॉडी कलर ऐसे होता है. एंड कैमेलियन कैन चेंज इट्स बॉडी कलर क्विकली, और ये अपने बॉडी कलर को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज भी जल्दी जल्दी कर लेता है. दीज एनिमल्स अडेप्ट वेज टू मर्ज विथ ऑब्जेक्ट्स. ये क्या करते हैं, अपने आप को ऑब्जेक्ट्स के साथ मर्ज कर लेते हैं, उनको उनमें घुल मिल जाते हैं, जैसे रॉक, twig, grass, etc. तो ये इनके साथ इनके जैसे दिखने लगते हैं. By changing their body color, अपने body color को इनके according change करके, और ऊपर से ये अपने shape को भी वैसा बना लेते हैं. The predators often get confused and is unable to identify the hidden prey. तो जो predators है वो क्या करते हैं, confused हो जाते हैं और अपने prey को वो नहीं ढूंढ पाते हैं. Next is poison. एनिमल्स सच एज बीज एंड वैस्प हैव स्टिंग. ये जो एनिमल्स हैं जैसे बीज हो गए, मधुमक्खी या फिर वैस्प जिसे आप ततैया कहते हैं, ये क्या होते हैं, इनके अंदर स्टिंग होता है, डंक होता है. दे यूज देयर स्टिंग टू इंजेक्ट पॉइजन इन टू बॉडी ऑफ देयर एनिमी. ये अपने अपने एनिमी की बॉडी में पॉइजन को रिलीज करते हैं इस स्टिंग से. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग लेग्स.
सो सम एनिमल्स लाइक डियर, जिराफ, ऑस्ट्रिच हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. ये कुछ एनिमल्स हैं जिनके लेग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे कैन रन वेरी फास्ट व्हेनेवर दे सेंस एनी डेंजर. ये क्या कर सकते हैं, बहुत तेज दौड़ सकते हैं जब भी इन्हें कोई डेंजर महसूस हो. नेक्स्ट इज शेल्स एंड स्पाइंस. सो टॉर्टोइज एंड स्नेल्स हैव हार्ड शेल्स. ये जो टॉर्टोइज है या जो स्नेल है, इनके जो शेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं. दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी, जो इनकी सॉफ्ट बॉडी को कवर और प्रोटेक्ट करती है. आप देख सकते हैं पॉक्यूपाइन है, और ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे क्विल्स दिखेंगे आपको. ये अपने क्विल्स से अटैक करता है अपने एनिमी पे. सो अ पॉक्यूपाइन पफ्स आउट द क्विल्स. ये अपने क्विल्स को बाहर निकाल लेता है. द क्विल्स ईजली कम लूज इफ टच्ड और स्टिक्ड टू द एनिमी स्किन. ये जो है ईजिली जो है क्या करते हैं, निकल जाते हैं. अगर कोई एनिमी होता है उसके स्किन में ये चले जाते हैं. दे कैन कॉज पेनफुल वाउंस और इन्फेक्शन. और ये क्या करते हैं, ये पेनफुल वाउंस या फिर इन्फेक्शन पैदा करते हैं. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन फॉर फूड. वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ वराइटी ऑफ फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स. सो एनिमल्स में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी हैं, फीडिंग हैबिट्स हैं, एंड दे अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. ये अपने आप को जो फूड खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं. दे कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 मेजर टाइप्स. यानी 5 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फीडिंग, इनके फीडिंग के अकॉर्डिंग. सो इनके जो फीडिंग हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग इन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स. तो ये 5 कैटेगरीज है जिनमें इन एनिमल्स को डिवाइड किया गया है. तो पहला आता है हर्बीवोरस. सो दीज लैंड एनिमल्स आर हर्बीवोरस दैट हैव हार्ड हूफ्स सो दैट दे कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू लुक फॉर फूड. सो ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, इनके जो हूफ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली वॉक कर सकते हैं और लंबे डिस्टेंसेस तक जा सकते हैं फूड के तलाश में. दे फ्रंट टीथ आर अडेप्टेड फॉर ब्रेकिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट. इनके जो आगे के दांत हैं वो इतने ज़्यादा नुकीले होते हैं ताकि ये प्लांट्स का जो पार्ट है उसे फ्रंट टीथ से कट कर सकें. दे बैक टीथ आर गुड फॉर ग्राइंडिंग अप प्लांट मैटर. और इनके जो पीछे के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो इजीली खाने को ग्राइंड कर लेते हैं. सम हर्बीवोर्स हैव स्पेशल पार्ट्स फॉर गेटिंग देयर फूड. अब कुछ हर्बीवोर्स ऐसे हैं क्या करते हैं, उनके पास स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिससे वो इजीली खाना ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल जिराफ के पास लॉन्ग नेक है जिससे वो ऊंचे पेड़ों तक भी पहुँच पाता है. सिमिलरली एलिफेंट क्या करता है, अपने ट्रंक को यूज़ करता है ब्रांचेस को तोड़ने में और दूसरे पार्ट्स प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स को तोड़ने में और खाने में. सो जिराफ इज अ हर्बीवोर. नेक्स्ट कम्स कार्निवोर्स. सो लायन एंड टाइगर आर कार्निवोरस एनिमल्स एंड दीज एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स. ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. दे हैव शार्प टीयरिंग टीथ. इनके जो टीयरिंग टीथ है वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, जो इनके जो कैनाइन से वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं ताकि ये अपने खाने को ईजिली टीयर कर सके, हंट कर सके फ्लैश को अपने प्रे के. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लायन जो कि एक कार्निवोर है. नेक्स्ट कम्स ओमनिवोरस. ओमनिवोरस क्या है, ये एक ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं. सो क्रो, बियर एंड ह्यूमन बीइंग आर ओमनिवोरस एनिमल्स. तो ये जो मेंशन है ये ओमनिवोरस एनिमल्स हैं एंड दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. नेक्स्ट आते हैं आपके पैरासाइट्स. सो लाइस एंड बेड बग्स, जो बालों में जो जुए हो जाते हैं लाइस या फिर बेड बग्स, जो बेड में आपके क्या हो जाते हैं, दीमक. दे लिव ऑन द ब्लड ऑफ खटमल जिसे आप कहते हो बेड बग्स. वो क्या कहते हैं, हमें एनिमल्स के ब्लड को वो सक करते हैं और उस पे ही वो जीवित रहते हैं. वाइल टेप वर्म लिव इनसाइड द बॉडी एंड गेट देयर फूड. ये जो टेप वर्म है वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग्स के या एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहता है और वहाँ से वो खाना लेता है.
These type of animals are called parasites. और ऐसे animals को parasites कहते हैं. Next comes scavengers. Some animals are scavengers and will eat only dead matter. कुछ animals क्या हैं, उन्हें scavengers कहा जाता है. वो सिर्फ dead matter को खाते, means वो शिकार नहीं करते, लेकिन शिकार हुए animals को खाते हैं ये. So the vulture, hyena and crow are scavenger animals. ये कुछ scavenger animals हैं. Now children, do you know that scavengers keep the jungle clean by eating dead animals? आपको पता है कि जो scavengers है वो क्या करते हैं, मरे हुए इन जानवरों को खा के जंगल को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स दैट ईट फ्लैश. ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं जो फ्लैश खाता है. सो इट इज कॉल्ड कार्निवोरस. सिमिलरली डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक. The natural home of an animal is called its habitat. According to the habitat, animals can be classified into five groups: terrestrial, aquatic, amphibian, arboreal, or aerial animals. Animals have some special features in their body to live in their environment. अपने environment में रहने के लिए इनके body में कुछ special features होते हैं. And the process of developing स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी टू एडजस्ट द सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन. और जो प्रोसेस होता है इन फीचर्स को डेवलप करने का, उसे अडेप्टेशन कहा जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स. हियर द फर्स्ट वर्ड इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन सेल टू एडजस्ट द एनवायरमेंट. नाउ हाइबरनेशन इज स्लीप ड्यूरिंग विंटर एंड एस्टिवेशन इज स्लीप ड्यूरिंग डीप स्लीप ड्यूरिंग समर. Now children, let's move on to book exercise. Here, A exercise is take the correct option. So the first question is, which one is not a terrestrial habitat? कौन सा जो है इसमें से terrestrial habitat नहीं है? तो terrestrial habitat में क्या होता है? Land area आता है. So mountain, desert, plain, ये तीनों land में आते हैं. But ocean is not a part of terrestrial habitat. Now which one is an arboreal animal? कौन है इसमें से एक आर्बोरियल एनिमल? सो यस इट इज मंकी, जो ज्यादातर टाइम अपना पेड़ों पे बिताते हैं. सो लाइक दिस चिल्ड्रेन, डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो चिल्ड्रेन, द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज द एबिलिटी टू एडजस्ट टू अ सराउंडिंग इज कॉल्ड अडैप्टेशन. Now, elephant is a dash animal. It is a terrestrial animal. Now, do the rest questions yourself. Now, let's move on to C part, which is give two examples of each of the following. Animal that camouflage. So, it is chameleon and parakeet. So these are the two animal children. Now you have to do the rest two questions yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. Here the first question is, what is habitat? So habitat is the living condition, means the living place or the living condition in which an animal adapts himself is called the habitat. Now, how is a frog adapted to live on land and in water? So, a frog has special features through which it can live both on land and water. So, when the frog lives on land, it breathes through its lungs. And when it lives in water, it breathes through its skin. So, like this, children, do the rest of the questions yourself after reading the chapter. And I hope it's clear to you. The chapter is clear. You have to complete the exercises. And I'll be meeting you soon, children, with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.